फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं हूं आपकी फ्रेंड निकी और मैं आज आप सबके लिए एक ऐसा टॉपिक लेके आई हूं जो कि आपके स्वास्थ्य के लिए बहुत अच्छा है और ये है लाल साग। लाल साग के बारे में आज मैं बात करने वाली हूं। इसकी एक क्विक रेसिपी आपको मैं बताऊंगी कि मैं कैसे इसे बनाकर खाती हूँ, प्लस इसके ऐसे फ़ायदे बताने वाली हूँ कि अगर आप आज नहीं खाते हो इसको तो आप ज़रूर इसको खाना शुरू कर दोगे, क्योंकि ये है बहुत ही गुणों से भरपूर जो कि हमारे स्वास्थ्य के लिए बहुत अच्छा होता है। तो दोस्तों, वीडियो शुरू करने से पहले आप ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा मेरे चैनल को ताकि आने वाले वीडियोस के नोटिफिकेशन आपको मिलते रहें, इसलिए बेल प्रेस कर दीजिएगा और लाइक ज़रूर कीजिएगा अगर आपको ये वीडियो पसंद आती है। तो दोस्तों, ये जो है लाल साग, इसे मैंने अच्छी तरह धो लिया है, इसको कट कर लिया है और इसकी मोटी मोटी डंडियों को मैंने हटा दिया है। तो इस तरीके से मैंने अच्छे से वॉश कर लिया है इसको, तो मैं इसकी आपको रेसिपी भी शेयर करूँगी, साथ ही साथ मैं इसके गुणों को भी बताती जाऊँगी। तो इसको बनाने के लिए जस्ट मैं सरसों का तेल यूज़ कर रही हूँ या ऑलिव ऑयल आप यूज़ कर सकते हो, और मैंने कट कर लिया है थोड़ा सा, दो तीन हरी मिर्च, थोड़ा सा लहसुन और दो प्याज, जितना प्याज डालेंगे उतना टेस्टी लगेगा। और मैंने हींग डाला है सबसे पहले, और देन जैसे तेल गर्म हुआ मैंने हींग डाला, फिर लहसुन डाल दिया, अच्छे से इसे मैं फ्राई कर लूँगी। और दोस्तों, जैसे ही लहसुन भुन जाएगा तो मैं डाल दूंगी इसमें प्याज। तो प्याज जैसे ही भुन रहा है और उसके बाद मैंने हरी मिर्च डाल दी है, इसको भी अच्छे से फ्राई कर लेंगे। तो दोस्तों, इस तरीके से मैं इसे बनाती हूँ और बिलीव मी, ये डिलीशियस भी लगता है और गुणों से बहुत भरपूर है, क्योंकि है इसमें बहुत ज़्यादा प्रोटीन, विटामिन्स, कार्बोहाइड्रेट्स, मिनरल्स, सब कुछ है इसमें। तो दोस्तों, ये बन जाता है एक सुपर फूड। तो दोस्तों देखिए, मैंने ये जब सब कुछ भुन गया तो मैंने इसमें डाल दिया है लाल साग और इसे हल्का हल्का फ्राई करेंगे और हल्का हल्का मिलाएंगे, उसी में ये पक जाता है, ये ज़्यादा टाइम पकने में नहीं लेता। और दोस्तों, ये जो है इसमें काफ़ी अच्छा आयरन होता है, तो ये खून की कमी को पूरा करता है, तो इसे आप ज़रूर हफ्ते में 2 से 3 बार ज़रूर खाइए। इसके अलावा फाइबर्स बहुत अच्छे, फाइबर से भरपूर है, तो हमारे ये BP जो है बहुत अच्छे से कंट्रोल रखता है। साथ ही सबसे ज़्यादा इसमें जो है प्रोटीन भी बहुत अच्छी मात्रा में है, तो आपको वेट लॉस में भी हेल्प मिलता है, वेट लॉस के लिए बहुत अच्छी रेसिपी है ये। आराम से जैसे आप लंच में इसे ज़रूर खाइए, इसके साथ आप दाल ले सकते हो या छाछ ले सकते हो, और अब मल्टीग्रेन रोटी ले सकते हो जो मैंने आपको बताई है सैलेड के साथ, तो ये प्रॉपर बहुत ही अच्छी मील बन जाती है। और देखिए, फ्राई करते करते ही ये पानी छोड़ देता है, जस्ट इस पानी को जलाना है और ये सब्जी बिल्कुल तैयार हो जाएगी। और इसे ना निचोड़ें क्योंकि इस पानी में बहुत ज़्यादा न्यूट्रिशन है, तो इसी को आप बस, ये रेडी हो जाएगा जैसे ही इसका पानी सूखेगा। और सबसे अच्छी बात दोस्तों, जिसमें एंटीऑक्सीडेंट होता है वो हमारे लिए बहुत अच्छा होता है, तो एंटीऑक्सीडेंट बहुत अच्छा है इसमें। और बाद में मैंने इसे गार्निश कर दिया है धनिया से और टेस्ट देने के लिए, और ये डाइजेशन के लिए देखिए बहुत ही बढ़िया होता है। देखिए, ये तैयार हो चुकी है सब्जी और ये आपका पाचन तंत्र जो है डाइजेशन बहुत अच्छा कर देता है, जिससे आपको वेट लॉस के लिए भी हेल्प करेगा, आपका स्वास्थ्य अच्छा रहेगा। तो दोस्तों, ये है तैयार ये सब्जी, और मैंने 250 ग्राम खरीदा था जो कि 2 लोगों के लिए आराम से हो जाता है, 250 ग्राम नहीं, सॉरी 300 से 400 ग्राम होगा ये। तो दोस्तों, बहुत ही अच्छी रेसिपी है, ज़रूर आप ट्राई कीजिएगा, और वीडियो अच्छी लगी तो लाइक ज़रूर कीजिएगा, और मैं मिलती हूँ अपनी नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए सबको बाय, और कमेंट ज़रूर करके बताइए कि आपको कैसे लगा।